हाँ जी, फिर तो एक बार सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। हुण फिर उही सेम 8th क्लास का टॉपिक है साढ़े को, प्लेइंग विद नंबर संख्यावां नाल खेडना। इहदा सैकेंड पार्ट असी करन जा रहे हैं। हुण सैकेंड जिहड़े दूसरी अभ्यास है उहदे विच है साढ़े को डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है कि किस तरह पता लगता है कोई संख्या जिहड़ी कोई नंबर किसी नंबर नाल डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ते जिस तरह सब तो पहला एक नाल, हुण एक नाल तुहानूं पता एक नाल सारे संख्यावां भाग हो जांदियां। किसी भी संख्या नूं असीं एक नाल भाग करांगे उही संख्या, मतलब एक नाल सारियां संख्यावां भाग हो जाणगियां। इहनूं इस तरह भी कह सकते हैं कि एक जिहड़ा वन डिवाइड्स एवरी नंबर। ठीक है, वन जिहड़ा है एक जिहड़ा हर एक नंबर नूं हर एक संख्या नूं भाग कर दिंदा है, डिवाइड करदा है। नैक्सट दो, हुण दो ते उही संख्यावां भाग होणगियां जिहड़ियां की ने जिस्त। जिस्त मतलब जिहड़ियां ईवन नंबरस ने, जिहड़े ईवन नंबर ने उही दो नाल भाग होणगे। जिस तरह दो, चार, छे, अठ, इस तरह। ठीक है, 18, 26, 44 जिहड़ियां संख्यावां ईवन ने उह दो नाल भाग होणगियां। फिर आ जांदा तीन। तीन ते चैक करना होए साडे कोल तीन दा ते नौ दा रूल सेम आ। की करो, संख्यावां दा जिहड़े अंक ने, डिजिट्स ने, नंबर्स दे जिहड़े डिजिट्स ने उहनां दा जोड़ करना। जिस तरह साडे को एक संख्या आ 4512। सानूं बिना भाग किते, बिना डिवाइड किते इह पता करना भी इह जिहड़ी संख्या तीन नाल भाग हो जाएगी। ते की करो, तीन जां नौ नाल इहनां दे अंकां नूं जोड़ो। हुण इह चार अंकां दी संख्या है, 4-digit number। ते डिजिट्स नूं जोड़ा किस तरह किन्ना आएगा साडे कोल, देखो 4 ते 5 9 ते 1 10 ते 2 12। 12 आ गया जोड़ के। हुण 12 जिहड़ा 3 नाल भाग हो जांदा, 12 3 दे टेबल च हुंदा। ठीक है, 3 चौके 12, जे जोड़ करके जिहड़ी संख्या प्राप्त हुंदी जे उह 3 नाल डिवाइड हो जांदी, इहदा मतलब सारी संख्या 3 नाल भाग हो जाएगी। क्लीयर, सेम 9 दा भी मेथड आ। हुण जोड़ के 12 आया, 12 जिहड़ा 9 नाल भाग नहीं हुंदा, इहदा मतलब इह 9 नाल भाग नहीं होएगी। ठीक है, उस तो बाद साडे को 4 दा रूल, 4 दा भी सेम ही है जो 2 दा सीगा। 4 दा एक ते पहला दे भी जिस्त होनी चाहीदी। ठीक है, ऑब्वियसली दूसरा है मैं किथे संख्या लिखा है 58516। 4 दा रूल की जे आखरी दो अंक 4 नाल भाग हो जांदे ने, संख्या दे आखरी दो अंक नंबर दे लास्ट 2 डिजिट्स दे रहे, मतलब 1s ते 10s प्लेस ते जिहड़े डिजिट्स ने उह जे 4 नाल भाग, 4 नाल डिवाइड हो जांदे ते पूरी संख्या साडे कोल 4 नाल डिवाइड हो जांदी। हुण आ जिहड़ा 58516, इहदे लास्ट 2 डिजिट जिहड़े उत्तों किहड़ी संख्या बणदी है 16। 16 4 नाल डिवाइड हो जांदा, इहदा मतलब इह सारी संख्या 4 नाल डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इह 4 दा सीगा। 5, 5 ते चैक करना होए साडे कोल की रूल आ, जिहड़ा इकाई दा अंक आ उह जां ते 0 होना चाहीदा ते जां ते 5। ठीक है, जिस तरह 518। हुण इह जिहड़ी संख्या लास्ट 8 आ, इहदा मतलब 5 नाल भाग नहीं होएगी। 5 नाल उही संख्या भाग होएगी जिहदा इकाई दा अंक जां ते 0 होए ते जां ते 5 होए। ठीक है, 6, 6 ते चैक करना है, 6 वास्ते की रूल है, जिहड़ी संख्या 2 नाल ते 3 नाल दोवां नाल भाग हो जाए उह संख्या 6 नाल भी भाग हो जांदी है। क्लीयर, 8, 7 वास्ते साडे कोल रूल है नहीं है, 8, 8 ते चैक करना है। जिस तरह 4 वास्ते लास्ट 2 डिजिट 4 नाल भाग होने चाहिए, 8 वास्ते लास्ट 3 डिजिट। जिस तरह इही संख्या लिखते हैं 58516, असीं चैक करना भी 8 नाल भाग हुंदी कि नहीं हुंदी। लास्ट 3 डिजिट फड़ो, लास्ट 3 अंक किन्ना गया 516, इहनूं 8 नाल भाग करके देखो ते 8 6 48, 8 6 48, 3 5 36। हुणे 8 नाल भाग नहीं होई, रिमाइंडर बाकी बच गया ना साडे कोल, ते 8 नाल भाग नहीं होई इहदा मतलब इह संख्या 8 नाल भाग नहीं होएगी। ठीक है, 8 नाल भाग के चेक करन दा की तरीका है, लास्ट 3 डिजिट तो जिहड़ा नंबर बनदा है उहनूं 8 नाल डिवाइड करके देखो। जे ते उहनूं 8 नाल डिवाइड हो गया उह 3 डिजिट्स तो नंबर जिहड़ा बनया, इहदा मतलब सारा नंबर साडे कोल 8 नाल साडे कोल डिवाइड हो जाएगा। हुण जिहड़े साडे कोल प्रश्न है
फिर दस नाल भी तुहानू पता है दस नाल भी सेम मैथड लास्ट जिहड़ा वंस प्लेस ते जिहड़ा डिजिट वो साडे कोल जीरो होना चाहिए। जिहड़े तुहाडे एक्सरसाइज च प्रश्न है उहदे दो प्रश्न अस सोल्व करांगे। पहला है 2 1 by 5 divides 9 is divisible by 9 is divisible by 9 and y is one digit number find y ठीक है find the value of y साडे को 4 digit number given है चार अंकां दी संख्या किंदा ए जड़ा या 9 नाल भाग हो जांदा है इज डिविजिबल बाय 9 ते दसो वाई दी जगह ते की हैगा y एक एक डिजिट एक अंक दी संख्या होएगी। हुण 9 नाल की दस्या सीगा तुहानू कि अंकां नू जोड़ के देखो अंकां नू जोड़ के देखो इहदा मतलब जेड़ा अंकां नू जोड़ के जेड़ा नंबर साडे को आएगा वो 9 नाल डिवाइड होना चाहिदा। हुण अंकां नू जोड़ के देखदे आ किन्ना बन गया 8 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
अंकों का जोड़ साढ़े को 18 हो सकता है अंकों का जोड़ साढ़े को 27 हो सकता है, इस तरह। ठीक है, हुण इत्थों देखने जे अंकों का जोड़ साढ़े को 9 है तो वाई का मुल कि आ जाना 9 - 8 यानी कि 1। जे अंकों का जोड़ 18 है, क्यों? क्योंकि 9 ना डिवाइड होता है, मतलब अंकों का जोड़ जोड़ा है जोड़ करके जो नंबर 9 के टेबल च होना चाहिए, मतलब वो फिर 9, 18, 27, 36 कोई भी हो सकता। हुण 18 किया फिर वाई का मुल कि 18 - 60 यानी कि 10। इथों वाई का मुल 10, उन्हें एक कंडीशन लाई भी वाई जो वन डिजिट नंबर है, एक अंक की संख्या, यदा मतलब 10 नहीं हो सकता। इथों जो करा वाई का मुल साढ़े को 19 होना, तो यदा मतलब वाई की सिर्फ एक इको ही वैल्यू होगी, वो की होगा 1, तो यह संख्या साढ़े को होगी 2115। क्लीयर, एक क्वेश्चन होर देखते हैं, वो भी इस नाल का ही है सेम, बट उ क्या 3 ना डिवाइड हों 3 1 Z 5 इज डिविजिबल बाय 3 एंड Z इज वन डिजिट नंबर, Z जड़ा है एक अंक की संख्या, तो फाइंड Z दे मूल वैल्यूज ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, पता करो। हुण जे 3 ना 3 का भी सेम रूल है भी अंकों नूं जोड़ के जिहड़ा नंबर उह 3 नाल भाग होना चाहिए, इहदा मतलब अंकों नूं जोड़ के अंक किहड़े 3, 1, Z ते 5 ये जिहड़े साढ़े को 3 दे पाड़े विच आने चाहिए, 3 दे टेबल च आने चाहिए, फिर ही भाग होगा। यदा मतलब हुण पहला जोड़ दिए कि 3 ते 1 4, 4 ते 5 9। ठीक है, ये जिहड़ी संख्या 9 जमा Z ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ 3 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ 6 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 12 ਠੀਕ ਹੈ 15 18 21 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ क्योंकि 3 ना डिवाइड उदो ही होगा जो अंकों जोड़ के इन्हों कोई एक संख्या बनेगी, इन्हों कोई एक संख्या बनेगी फिर ही 3 नाल भाग होगी। ठीक है, इतों इतों जैड का मुल आ गया साढ़े को 3 - 9 यानी कि -6, इतों जैड का मुल आ गया 6 - 9 यानी कि -3, इतों जैड का मुल आ गया 9 - 9 यानी कि 0, इतों जैड का मुल आ गया 12 - 9 यानी कि 3, फिर Z का मुल आ गया 15 - 9 यानी कि 6, इतों आ गया 18 - 9 यानी कि 9, इतों आ गया 21 - 9 यानी कि 12। ठीक है,
बट उन्हें कंडीशन की जेड की एक डिजिट नंबर है। हुण आ जिहड़े नैगेटिव ऋणात्मक इन्हां नूं ते छड्ड ही दो, ठीक है, क्योंकि जो असी कोई संख्या लिखते विच माइनस का कोई अंक नहीं हुंदा हैगा, सारी संख्या नाल माइनस लग सकदा बट विच नहीं, असी एक अंक पता करना है। इत्थे की हो गया, हुण इत्थे माइनस का ध्यान नहीं सकदा, इहदा हुण एक अंक की संख्या यानी कि जेड का मुल फिर जीरो तीन या छे या नौ हो सकता, बारह नहीं हो सकता, बारह तो अगे क्योंकि बारह तो अगे फिर दो अंकों की संख्या आ जाती है, ठीक है। तो आटे को चार पॉसीबिलिटीज है, यदा मतलब जी जेड यदि जगह जा तो जीरो आएगा, ठीक है, तीन एक जीरो पाँच जे को आएगा तीन आ सकता है, जे को छे आ सकता, तो जे को कि आ सकता नौ आ सकता। तो जेड की इतने चार वैल्यूज मिली जीरो थ्री सिक्स से नाइन, क्लीयर। ये नाल दे भी चार पांच सम्स होणगे, तुहाडी बुक चो सॉल्व करो ते प्रैक्टिस करो। सो धन्यवाद सारिआं दा।